हाय फ्रेंड, मैं हूँ पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज एक फिर से मैं अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड एक फिर से अपडेट लेकर आया हूँ, जो कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, ठीक है ना। कल जो रायपुर का वैकेंसी आया था अप्रेंटिसशिप से, और आज जो है बरेली का आया है। मैं आपको पल पल की डेट पहुँचाता ही रहता हूँ, तो फ्रेंड आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी नोटिफिकेशन लाऊँ अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड या फिर से जॉब से रिलेटेड, वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड चलिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है, ये डेट दिया गया है 28/10/2020 का, ये फॉर्म आया था, ठीक है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली का ये अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। और ये जो निकाला गया है एक्ट 1961 के तहत निकाला गया है। और फ्रेंड इसमें आगे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे डेट जो स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 नवंबर 2020 का डेट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट इसमें जो रखा गया है 1 दिसंबर 2020, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपको दिया गया है डिस्प्ले ऑफ मेरिट, जो आपको जो मेरिट शो करेगा, देख सकते हैं 15/12/2020 को यहाँ पे 15 से लेके 31 दिसंबर तक आपका जो है मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, इसमें ये शो किया गया है, ठीक है। और आगे इसमें देखते हैं कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ जो अप्रेंटिसशिप की है, फिटर के लिए 3 निकाला गया है, फिटर, इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, तीन तीन पोस्ट के लिए निकाला गया, ठीक है ना। इसमें जो है आप देख सकते हैं फिटर के लिए यहाँ पे यूआर के लिए 24, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 14 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 निकाला गया। यानी टोटल पोस्ट देखा जाए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर तीनों के लिए यहाँ पे 110 पोस्ट निकाला गया है, ठीक है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो जो कि मैं आपको बता रहा हूँ आगे, अगर आप इसमें एससी एसटी ओबीसी आते हैं तो आपको इसमें छूट मिलेगा। और आगे इसमें जो दिया गया है क्वालिफिकेशन की जो बात की गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 10th+ITI होना चाहिए, ठीक है, और वही 3 ट्रेड से ही होना चाहिए। और मेन बात है कि इसमें आपको जो है 10th में 50% अनिवार्य है, और SC ST SCVT और NCVT दोनों आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और फ्रेंड इसमें एज की जो बात की गई है यहाँ पे देख सकते हैं 15 साल तक, ठीक है ना, 15 साल एज ऑफ शुड नॉट, ठीक है ना, 15 साल से कम आपका नहीं होना चाहिए इसमें। और आगे इसमें बोला गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप SC ST हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 साल की छूट मिलता है, और OBC का 3 साल का छूट मिलता है, ठीक है। और आपको इसमें बोला गया है कि आपको जो SC ST का जो सर्टिफिकेट लगता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट होना चाहिए। और इसमें फ़ी की जो बात की गई है देख सकते हैं 100 रुपीज़ रखा गया है, किन लोगों के लिए, SC ST वाले के लिए नहीं है और EWS वाले के लिए भी नहीं है, जो OBC और जनरल में आते हैं उनका 100 रुपया इसमें फ़ी लगेगा। और इसमें लड़की लोग, महिला लोग अगर अप्लाई करते हैं उसका भी कोई फ़ी लगने वाला नहीं है, चाहे कोई भी कास्ट का हो। और फ्रेंड आगे जो इसमें दिया गया यहाँ देख सकते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका जो सिलेक्शन होने वाला है मेरिट वेक्स पे आपका सिलेक्शन होने वाला है, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। और फ्रेंड आगे जो इसमें दिया गया है देख सकते हैं इनवैलिड अप्लीकेशन, आपका जो फॉर्म किस वजह से नहीं एक्सेप्ट किया जाता है वो इसके कारण यहाँ पे सारा दर्शाया गया है, ठीक है। अगर आप अच्छा से फ़ोटो नहीं डालते होंगे क्लियर, NCVT SCVT कोई भी सर्टिफिकेट या कोई भी चुक हो गया हो, बस यही नियम के अनुसार आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट होता है, ये दर्शाया गया है इसमें। तो फ्रेंड ये फॉर्म जो है 2 नवंबर से स्टार्ट हो चुका और लास्ट 1 दिसंबर तक इसका फॉर्म रखा गया अप्लाई करने के लिए, अगर आप इच्छुक हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड बस आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।